दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक फिर से बार बार मैं यही बोलता हूँ कि स्पेशल टॉपिक लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में आने वाले ही है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है शब्द भेद। बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि शब्द भेद क्या है, शब्द भेद में कैसे हम आंसर लिखे, इसमें क्या मुझे हाफ मार्क्स मिलेगा, क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आपको इस टॉपिक में मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। अब देखो शब्द भेद में आपको क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ही है, आपको क्रिया नहीं है। तो संज्ञा, अब संज्ञा के अंदर अगर आपको संज्ञा के अंदर का अगर टाइप भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे संज्ञा के अंदर अगर यहाँ पे आप टाइप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप लिखा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा मतलब जो आपका इंग्लिश में नाउन होता है और मराठी में नाम बोलते हैं। संज्ञा मतलब किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कोई भी प्लेस है जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इसको हम संज्ञा बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि मेरा नाम है राहुल, अगर मैंने राहुल बोला, प्रदीप सर बोला या ओमकार सर बोला तो ये क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। जैसे ये मार्कर है ये भी एक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा पर अब इसके अंदर संज्ञा तो आपको समझ में आ गया, अगर एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है संज्ञा लिख के आओ, बट अगर आपको संज्ञा के अंदर का टाइप पता है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों अब टाइप को भी कैसे याद रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है दोस्तों पता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम है राहुल, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी प्लेस का स्पेसिफिक नाम, जैसे मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली क्या है एक स्पेसिफिक, दिल्ली एक जगह का नाम है इसलिए इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक। पर अगर समझो मैंने ऐसे बोला कि देश, तो देश ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। मैं अगर किसी भी देश का नाम ले लूंगा ना, जैसे बोलूंगा भारत, ये व्यक्तिवाचक होगा। बट अगर मैं बोलूंगा देश, तो देश क्या जाति है, देश के अंदर तो बहुत सारे देश आते हैं। जैसे मैं बोलूंगा लड़के, तो लड़के बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, पर मैं अगर किसी एक लड़के का नाम लूंगा तो उसे मैं बोलूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट अगर बहुत सारे लड़के होंगे तो मैं उसे क्या बोलूंगा, जातिवाचक संज्ञा। तो जाति मतलब आपको समझ में आया होगा, देश हो गया, नदी हो गया, मैंने किसी स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं लिया है। अगर मैंने गंगा बोला होता तो व्यक्ति में चले जाता। पुस्तक, मैंने किसी भी स्पेसिफिक पुस्तक का नाम नहीं लिया। देन उसके बाद आपको भाववाचक संज्ञा, ये इतने वर्ड्स याद कर लो, हो सकता है कि भाववाचक संज्ञा में इसमें से ही कोई वर्ड आए। अगर कहीं पे महंगाई के बारे में, जहां पे आपकी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, गुण के बारे में बताया जाता है, आपकी दशा के बारे में बताया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि महंगाई, तो ये हमारी भावना है। बाद में दया, अभिमान, साहस, अच्छाई, बचपन। देन उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हमें हमेशा धातु, द्रव्य और पदार्थ के बारे में, इसके अंदर किसी भी धातु का नाम आया, किसी भी द्रव्य का नाम आया और किसी भी पदार्थ का नाम आया तो इसके अंदर आएगा। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया। जनरली इसके अंदर चांदी और सोना बहुत एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद रखना है। और समूहवाचक संज्ञा, समूह में आपको पता होगा जो चीजें समूह में होती है, जैसे फूलों का गुच्छा, हाँ, जैसे कि अगर समझो हम बोल सकते हैं कि पक्षियों, जो पक्षी लोग होंगे उनका झुंड, तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका संज्ञा का टाइप है। तो आपको पूरा का पूरा ये टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम। अब दोस्तों मैं सर्वनाम में आपको एक तरीका बता देना चाहता हूं कि सर्वनाम में आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आओ। क्यों लिख के आओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम किसी से बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं आप खड़े हो, तो या तो मैं मेरे बारे में बोलूंगा, या तो मैं आपकी बातों को सुनूंगा, या तो मैं और आप किसी और के बारे में बात करेंगे। इस दुनिया में चौथी चीज कुछ नहीं होती, या तो मैं मेरी बात रखूंगा, या तो मैं आपकी बात सुनूंगा, या तो हम किसी और के बारे में बात करेंगे। तो यही होता है, अगर इसमें से वह, अगर मैं आया तो भी पुरुषवाचक आएगा, अगर वह आया तो भी पुरुषवाचक आएगा, उसने आया तो भी पुरुषवाचक आएगा। तो अगर आपको टाइप भी नहीं पता हो तो पुरुषवाचक भी अगर आपने लिख दिया तो भी एग्जाम में वो मैच हो ही जाता है। बट अगर आपको उसके नीचे का टाइप पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं ये टाइप बता रहा हूँ, निजवाचक। निज मतलब खुद, जैसे यहाँ पे स्वयं वर्ड आता है, स्वयं वर्ड आता है तो समझ जाने का कि ये क्या निजवाचक है। मैं अपने आप खाना ले लूंगा, अपने आप बोल रहे हो मतलब खुद से। तो ये जब मैं खुद की बातें करूंगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, स्वयं मतलब खुद करना चाहिए, तो ये निजवाचक है। देन इसके बाद संबंधवाचक भी बहुत सिंपल है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो देखो ऐसे कोई संबंध अगर आया होगा जो उसे, अब तुम्हें पता है कि अगर संज्ञा के प्लेस पे, अगर जैसे कि राजू है, राजू के प्लेस पे वह आया तो वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो और उसे, तो ये सर्वनाम आया, पर यहाँ पे क्या संबंध है, एक जो जीतेगा उसे, तो ये संबंध है, तो इसलिए का संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके अलावा यहाँ पे एक निश्चयवाचक है, अगर हमें कोई भी चीज कंफर्म पता है कि ये यह राहुल का मार्कर है,
तो ये क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आएगी नहीं, पर अगर आपने अगर समझो पुरुषवाचक भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पुरुषवाचक एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत मेन है, और पुरुषवाचक ही लिख के आना। नेक्स्ट है विशेषण। जैसे मैंने उसमें पुरुषवाचक बताया वैसे इसमें जनरली एग्जाम में गुणवाचक विशेषण के ऊपर ही आता है। गुण में सब कुछ आ गया। अगर आप जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार, गुण दोष उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, रूप उसका रूप कैसा है जैसे कलर कैसा है काला है कि गोरा है, रंग कैसा है आकार कैसा है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है काला गोरा लंबा कायर, कायर मतलब डरने वाला, और वीर। अगर इस तरह के कुछ भी वर्ड्स आते हैं तो गुणवाचक विशेषण लिखो। देन संख्यावाचक विशेषण तो बहुत ईजी है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है दो कौवे, समझ में, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में नंबर्स में बताता है, सात पक्षी ऐसा बोला, सात पक्षी मतलब यहाँ पे, तो ये क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। देन परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण परिमाण मतलब मात्रा, जहां पे नापतौल की बात की गई है, डिब्बे में एक किलो दाल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बट मेरा सजेशन है कि आप ये एक कर लो। अब देखो ओवरऑल मैं बता रहा हूं, यहां पे आप पुरुषवाचक सर्वनाम दिमाग में रख लो, और यहां पे आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक एटलीस्ट कर लो, आप भाववाचक का इतना याद कर लो, और नीचे का अगर कुछ आया तो आप पहचान लोगे, और अगर आपको एग्जाम में इसके अलावा अगर कुछ आता है तो आप आराम से उसका भी आंसर दे दोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आया वह चुपचाप बैठा है, बता दो क्या आएगा, वह क्या आएगा, बोलो जल्दी से बोलो वह क्या आएगा। मैंने आपको बोला है कि अगर कहीं पे मैं या आपकी या किसी और की बात करता हूं तो पुरुषवाचक ही लिख दिया करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखूंगा, पुरुषवाचक वाचक, बस ये लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सर्वनाम, ठीक है, ये हो गया। देन याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन, एक्चुअली यहां पे अंडरलाइन था, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। हसीन, हसीन यहां पे क्या आपको खुद समझ में आ रहा है कि हसीन यहां पे क्या विशेषता है, तो यहां पे क्या है गुणवाचक विशेषण, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, हसीन गुणवाचक विशेषण। राजू के नीचे देखो अंडरलाइन है, राजू अच्छा लड़का है। अब राजू क्या हुआ बताओ मुझे, संज्ञा है, पर संज्ञा कौन सा है, वो कौन से टाइप का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझ में आ रही कि नहीं। और वह नाराज है, वह क्या आएगा जल्दी से बता दो, आपने ऊपर लिखा है वैसे तो आपको पता ही है, वह का आपको आंसर कमेंट में देना है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि लंबा टॉपिक है, पर आप अगर इतना अच्छे से कर लोगे तो इस टॉपिक में मिलेगा आपको पूरे के पूरे मार्क्स। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर मजा आया होगा तो नीचे कमेंट करना, आप में से प्यारे कमेंट को मैं जरूर पिन करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।